इंदौर में पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक ये मनाया जाता है। इसके चलते आज राहू के शिव सिटी कॉलोनी में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। यहाँ पर विधायक जीतू पटवारी को सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने राखी बांध कर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। पूरा कार्यक्रम श्रीमती शीता सरदार सोलंकी के द्वारा वाटक्रमा कुन्यासी में किया गया। मौके पर विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि लक्ष्य परिवार के द्वारा हर वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते ये कार्यक्रम नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहनों के द्वारा राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लेते हुए आभार व्यक्त किया। वहीं रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाई बहनों ने कहा कि हम हर वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। क्षेत्रीय विधायक जीतू पटवारी ने यहां आकर हमसे राखी बंधवाते हैं और जनप्रतिनिधि एक तरह से जमीनी रूप से जुड़ा होना रहता है और बहनों को प्यार देना एक अलग ही भावना का प्रतीक है। इनके रक्षाबंधन का प्रोग्राम किया है हमारे लोकप्रिय विधायक श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। आज सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई है और रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही हैं। महिलाओं को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और उसी के तहत उन्होंने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है और इसमें कोरोना को देखते हुए महिलाओं की संख्या 300 से 400 रखी गई है तथा उनके लिए साड़ियों को एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया गया है भैया ही की तरफ से और साथ में उनके खाने की व्यवस्था भी की गई है और ये सब इन दोनों के ही शुभ हाथों से हुआ है। हर साल पिछले कई सालों से लक्ष्य परिवार बहनों को हमारी बुलाकर इस तरह का रक्षाबंधन का आयोजन होता है। पिछले समय कोविड की महामारी सर चढ़ के परिवार वालों को हताहत भी कर रही थी और एक तरह से गिरफ्त में ले लिया था, तो ये कुछ समय से आयोजन नहीं हुआ था, पर इस बार फिर से वार्ड वाइज लक्ष्य संस्था ने इस हमारी पहले बहनों से जिनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते थे कई सालों से थे उनको भी और नई बहनों को भी इस पूरे संदर्भ में बुलाया है। हमें अच्छा लगा, हम ये एक आनंद होता है, खाना पीना परिवार की बहनों का एक अपनत्व, एक जनप्रतिनिधि का जो ओरा होता है उससे अलग एक परिवार का ओरा, और वो परिवार का ओरा ऐसा होता है कि बहनों को शिकायत भी होती है तो इस समय वो कहती है, फिर उन शिकायतों को हक से बात करने के लिए घर परिवार में आके भी कहती है और हमारा